जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत शाम को स्टार्ट हो रहा है, मुझे मालूम है, और अंदर से आवाज़ आ रही है कि व्लॉग शुरू हो गया है। तो आज सारा दिन निकाल के मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, हाँ देख सकते हैं आप। अब व्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ था नहीं यार सुबह से रिकॉर्ड करने वाला, क्योंकि काम ही बहुत था इतना, और कुछ हमारी जिंदगी में कोई एक दुखद घटना हो चुकी है, इसलिए थोड़ा हम आजकल लॉ चल रहे हैं, मतलब अंडरग्राउंड चल रहे हैं। तो आइसक्रीम खा लो गाइस, मेरी भी खा लो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ले फुटेज लू बता, इसकी ले लेता हूँ फुटेज और यो शेक पीते हुए। क्या भाई 124 रुपए का शेक है, कोई इतना था क्या? और कैसा लगा? ओरियो के नाम पे कुछ नहीं है भाई, ओरियो ने क्या कुछ और ही तो नहीं डाल दिया भाई? बिस्किट का बड़ा पैक आता है उसमें ओरियो का, हाँ, और वही 124 रुपए का ना, 25 मतलब होता है ना उसमें, 4 रुपए कम लगते तेरे, 120 का ही आता वो। अच्छा हाँ, पर भाई कुछ है ही नहीं यार भाई, मत लेना है, बट जो भी तेरे बटलर कैफे का मत लेना भाई प्लीज, मैंने गलती कर दी, आप लोग मत करो। और ले क्यों आए वैसे भाई? बोला तो क्योंकि तूने मंगवाया था। अरे तो मैंने सोचा होगा 100 रुपए का, 24 रुपए एक्स्ट्रा यार। हम बोले अमीर आदमी है, 24 के लिए क्या छोटा मोटा देखेगा। हाँ मैं ये बोलने वाला था कि पारुल में आने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना है कि घर पे ही रहे। नहीं मैं ये बोल रहा था पारुल में आने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना है कि अगर आप होस्टलाइट बनने वाले हो, एक होस्टलर होने वाले हो पारुल में आके, और अगर आपको हॉस्टल के ब्रोशर में अटल फोर शेयरिंग में दिखाई दे रहा है, तो कृपया आप उस जाल में ना फंसे, क्योंकि हम फंस चुके हैं ऑलरेडी। हमारे साथ भी 1 साल पहले यही हुआ था कि हमें 4 शेयरिंग बोल के 8 शेयरिंग में बिठा दिया गया। हाँ आइए आइए, वेलकम बैक। अरे 4 शेयरिंग बताओ तो पूरा है यहाँ। अरे 4 शेयरिंग हो गए ना, 4 शेयरिंग इन द सेंस कि ये बीच में बस 8 शेयरिंग के बीच में पार्टीशन डाल दिया, और ये 4 शेयरिंग बना दिया इसको, बस सामने 4 कबर्ड मिलेंगे, भैया को इंक्लूड मत करना। और ये आपको 4 कबर्ड मिलने वाले हैं, सामने 3, अरे टेबल के मैस को इग्नोर करना, ये लैपटॉप ठंडा हो रहा है, मेटल बॉडी होगा, MSI है, मेटल बॉडी। अरे 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 वहां पे सामने 3 टेबल जुड़े हुए साथ में, ये बस फर्स्ट बेड वाले को एक एडवांटेज है कि उसको ये टेबल मिलेगा, सिंगल इंडिविजुअल टेबल। और हाँ अटल में आने के बाद थोड़ा अपना चोरी वगैरह का ध्यान रखना, अपने कबर्ड को लॉक करके रखना। हाँ है नहीं मत अटल में तो। अरे नहीं नहीं मेरे को पारुल से वीडियो नहीं डाउन करवानी, स्पेशल 135 में मत आना, उधर बहुत चोरी होती है। हाँ, और अगर आना तो अपना 1+ का फोन लेके आना एसी के रिमोट के लिए, क्योंकि यहाँ पे एसी का रिमोट नहीं मिलता। भैया से बार बार टैग ओवर बीमे मांगने मत जाना फिर बाद में, मैं खुद जा रहा हूँ। क्या मैं 4-5 बार फोन नीचे रखता हूँ, इसका किराया भी नहीं। अभी तो मैं लैपटॉप खोल के एडिट करने बैठा हूँ, फिर मैंने देखा भी सुबह से अभी मैंने देखा कि सिर्फ 1 क्लिप ही है मेरे पास आज के व्लॉग डालने में, इसलिए ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं हेल्प नहीं कर रहा, कंटेंट डाल रहा हूं भाई, हमको तो कोई पेमेंट नहीं आता, YouTube समझो नहीं कर रहा। हां भाई पेमेंट, पैसा देना पड़ेगा, पैसा दो, पैसा यार देख लो अब तुम्हारी वजह से कितना हो रहा है, थोड़ा वॉच टाइम पूरा करवाओ और अपना मोनेटाइज करवाओ यार चैनल, हमने थोड़ा एक क्राइटेरिया पूरा करवा दिया, दूसरा करवा नहीं रहे, थोड़ा तो मतलब करो यार, शेयर वगैरह करो अपने दोस्तों को जो पारुल में आने वाले हैं, हमारे भी बकचोदी उनको पता लगे भी क्या होता है पारुल में हमारे। नहीं ये गाली नहीं है, ये इमोशन है, ये गाली नहीं है, ये इमोशन है, ओए ये गाली होती है, प्योर गाली, प्योर गाली। और क्या होती है साले, ये खरीद ले अपना, क्या चालू है, ये पीछे से ऑन कर रखा है। और हाँ अपने साथ ये लैंप वगैरह लेके आना, क्योंकि अगर आपके रूममेट को अंधेरा चाहिए और आपको रात को जाग के स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, ये बहुत मेजरली दिक्कत आती है। अगर आप
आजाद में आ रहे हो तो आजाद में आपको इनबिल्ट टेबल के ऊपर ही लैंप मिल रहा है। हाँ ये इसके ऊपर इसमें यहाँ पे लगा मिल जाएगा आपको आजाद में लैंप, क्योंकि वो नया बना है। पर लेकिन उसमें आपको सिविल हॉस्पिटल वाली वाइब आएगी। हम आपको आजाद के हॉस्टल का भी टूर दे देंगे। अभी एम्बुलेंस अपने आपके लिए गया ना बस। क्या कहना है? सिटी हॉस्पिटल। हाँ वो मिनी सिटी हॉस्पिटल है। एसी एसी क्या एसी एसी बोल रहा था ना तू अभी? एसी 16 डब्बो भी है। अरे बाबा कहना क्या चाहिए? बस अपने सामान का ध्यान रखना यार, जो भी है आओ, जैसे आओ, जहाँ आओ, आपकी मर्जी है, आपके डिपेंड करता है। मेरे से ब्रोशर मत मांगना क्योंकि मेरे पास खुद के पास नहीं है, क्योंकि ना मैं हॉस्टल लेने वाला हूँ अब दोबारा, मैं दो रहा हूँ फ्लैट में शिफ्ट। सीधी सी बात, मैं दूँ क्या? ये मिल जाएगा। और हमारी तो 18 तारीख से शुरू होने वाली है हॉस्टल रिन्यूअल का लिंक हमारे पास आ जाएगा, और हॉस्टल बुकिंग का भी। आपको फर्स्ट टाइम में 50% पेमेंट करनी होगी जो भी आप हॉस्टल ले रहे हो। अगर आप टैगोर ले रहे हो तो उसका 1/33 है, तो 1/33 का हाफ करके देख लेना, वो आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट में डालनी पड़ेगी अपना रूम प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व क्या? रिजर्व करने के लिए, सॉरी। तो गाइस हम मेरा ही रूम है, प्राइवेसी में हमें नहीं मिलेगी। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो है यहाँ से कॉरिडोर से एंट्रेंस आएगी, ठीक है, यहाँ पे पहले ही आपको प्लग मिल जाएगा, फिर बाद में ये देखो साथ में ये सलमान का घर खा गए, हमको मन्नत खाना है। ये बेड वन, साथ में ये इंडिविजुअल टेबल, ऊपर शेल्फ। ये बंदे नहीं मिलेंगे आपको साथ में, ये सिंगल पीस है पूरी दुनिया में ही सभी। ये दूसरा बेड जो कि मेरा बेड है, लैपटॉप पड़ा है साथ में मेरे बेड के साथ, ये बीच में कॉमन टेबल मिलेगा। साथ में ये दो और बेड है, इसके बीच में पार्टीशन था पर हमने घुमा दिया, हमारे वाला गायब हो चुके पता ही नहीं कहाँ पे। ये चार अलमीरा, एक दो तीन टेबल, तीन शेल्फ, साथ में ये है पार्टीशन। सेम यहाँ पे आपको वही मिलेगा कॉन्सेप्ट, एक बेड नंबर 5, 6, 7, 8। 8 वाले को भी एक एडवांटेज है, इंडिविजुअल मिलता है। पर लेकिन हाँ यहाँ पे भी सेम है, देखो अलमारी, चार अलमारी। पर लेकिन इसमें एक ग्लिच है कि अंदर वाला जो पार्टीशन है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, किसी भी चीज का, किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं आता। तो अपने अपने रिस्क पे लीजिएगा ये अंदर वाला पार्टीशन, फिर वरना बाद में आप बाहर आने के लिए तड़पेंगे। ये जो हमारा ये बीच वाली साइड वाला है, ये क्या ही दिखा रहा हूँ मैं, वो जो उस बिल्कुल एंड वाला कॉर्नर वाला है उसमें अंदर वाले पार्टीशन में नेटवर्क ज्यादा आता है, बाहर वाले पार्टीशन में नहीं आता। ऐसा थोड़ी है क्या सबको एक रूम में? अरे पर आना ही क्यों है? हाँ, में आने की मजबूरी हो गई तो आओगे। अरे पारुल में ही क्यों आना है? अगर पारुल यूनिवर्सिटी वाले मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा कि पारुल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ना मत आओ। ये देखो फोन में आते हैं क्या? तो बस यही बोलना था मेरे को, सबको क्यों गए पच्छा में। बस यही था इस व्लॉग में, मिलते हैं फिर अगले वाले में, मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।